नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपना इंस्ट्रूमेंट है रोडेंट फैंटम G6, और फैंटम G6 के साथ आज हम रिव्यू साथ में करेंगे रोलेंट XP30। पिछले वीडियो में हमने रिव्यू किया था रोलेंट XP60, और आज हम फैंटम G6 के साथ में देख रहे हैं रोलेंट XP30। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दोनों कीबोर्ड को। फ्रेंड्स, ये जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसका कोई ये इंटेंशन नहीं है मेरा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे XP60 और फैंटम G6 या XP30 में अभी बहुत साम्यता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, तो सिमिलर साउंड हम सभी कीबोर्ड में बना सकते हैं। और आइए एक बार हम लोग इसका बैक पैनल भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है अपना XP30, और उसके साथ में नीचे पैनल हम देख रहे हैं वो है फैंटम G6। लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भी कोई मीडी कनेक्शन नहीं है, दोनों कीबोर्ड सेपरेट है, और दोनों कीबोर्ड में हम लोगों ने जो कोशिश करी है दोनों के साउंड सेम मैच करने की, तो आज का हमारा फैंटम G6 और XP30 का साउंड है ओबो, जिसको हम कहते हैं शहनाई टाइप का साउंड है। वैसे तो ये सब कीबोर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है ही, लेकिन फिर भी आज हम ये एक बार रिव्यू यही करना चाहते हैं कि इन दोनों कीबोर्ड में से हम क्या सेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए एक बार मैं ये कीबोर्ड सॉरी ये मेरा जो कैमरा है वो स्टैंड पे लगा देता हूं, और फिर हम इसको आगे रिव्यू करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमारे ये दोनों कीबोर्ड एक स्टैंड पे दोनों एक साथ में है, तो शायद मैं आशा करता हूं कि हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है फैंटम सॉरी XP30, उसमें ओबो फैंटम का ही पैरामीटर लेकर के बनाया हुआ साउंड है, इसमें 047 नंबर का साउंड है ओबो। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि शायद ये साउंड आप सुन रहे हैं, और बस यही हमारा छोटा सा स्पीकर है और इसी में से ही ये साउंड अभी आप सुन रहे हैं। और डिटेल में तो फिर पैरामीटर्स हम बाद में एक के बाद एक रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बस ये है। और मुझे तो वैसे बजाना आता नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई इतना ज्यादा तो यहां से कोई डेमोंस्ट्रेशन नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर चाहे तो कोई भी रोलेंट सीरीज के कीबोर्ड की, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो ये है हमारे सामने फैंटम G6। ये कीबोर्ड ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब करीब चलता है। ये है हमारा XP30। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा कहना होता है कि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि जैसे XP30 फैंटम से बेहतर है या XP30 XP60 से बेहतर है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे, यही इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो सेम ऐसे साउंड हम लोग बना सकते हैं। Thank you.
बस फ्रेंड्स यही है। और अगर आप इसके देखना चाहते हैं कि इसमें कोई मैंने फैंटम G6 का वेव सैंपल यूज नहीं किया है, तो आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये हमारे सामने हमारा स्क्रीन ओपन है और हम देखते हैं कि अगर ये साउंड के पैरामीटर्स में क्या क्या है, उसको तो बाद में हम डिटेल में देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं, और शायद आपको ये कैमरा मेरा हाथ में है, स्टैंड पे नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत इसमें देखिए वेव फॉर्मेट में। अभी जैसे यहां पर फर्स्ट साउंड है वो है 349 ओबो का साउंड, सेकेंड नंबर के साउंड है वहां पर 22x का साउंड है, और फोर्थ नंबर का साउंड है वो भी अगेन ओबो है। और आइए हम देखते हैं कि फैंटम G6 में यही साउंड है या अलग अलग है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहां से हम जानते हैं हमेशा की तरह पैच एडिट करना है, प्रो एडिट करना है, प्रो एडिट, और फिर यहां से जैसे आप वेव सेक्शन में आएंगे तो यहां पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं ओबो का साउंड है 22x है, और यहां पर ये बेस रखा हुआ है एक्चुअली यहां पर, और मैंने XPS 30 में यहां पर बेस नहीं रखा था, और मुझे वहां पर थोड़ा ओबो का साउंड मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए था, तो मैंने थर्ड साउंड उसमें रिपीट किया है। तो बाकी ऑलमोस्ट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहां पर पहला है ओबो 22x, और यहां पर हमने XPS 30 में यहां पर देखा तो ओबो है 22x और ओबो, तो बस ये तीनों साउंड है, और बाकी इन सब के पैरामीटर्स डिटेल में अगर देखना है तो हम बाद में देखते रहेंगे, और अभी आपको यहां से भी देखना है तो आप एक बार देख लीजिए, और यही साउंड अगर आप चाहे तो आपके कीबोर्ड में डेवलप कर सकते हैं। TMT सेक्शन में है अभी हम, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तीनों साउंड यहां पर यूज किया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं शायद ये स्क्रीन पे आप जो भी पैरामीटर्स देख रहे हैं, इसी पैरामीटर्स को अगर आप आपके कीबोर्ड में डेवलप करेंगे तो एग्जैक्ट यही साउंड आप बना पाएंगे। पिच में अगर देखते हैं तो पिच एनवलप, TVF, TVF envelope, TVA, then TVA envelope, का आउटपुट अगर आपको देखना है तो MFX, LFO, LFO2, स्टेप LFO, कंट्रोल MFX कंट्रोल, यहां पर कुछ है नहीं। आइए हम एक बार इफेक्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट इफेक्ट मैंने कॉपी किया है फैंटम का। और जैसे MFX में है यहां पर कंप्रेशर, अटैक 20, थ्रीशोल्ड 64, पोस्ट गेन 8, लो गेन 15, हाई गेन 5, लेवल 127, आउटपुट लेवल 127, कोर्स एंड 0, और रिवर्ब है 90, एक और यहां पर MFX कंट्रोल में आप देखेंगे तो सब ऑफ है, कोरस में डीले है, डीले अगर आप देखेंगे तो 1:8, टी 1414, 50%, बाईपास 127, मेन 127, और रिवर्ब में है हॉल 1, उसका टाइप टाइम है 91, एचएफ डंप है 800, डिले फीडबैक 64, रिवर्ब 90। तो बस फ्रेंड्स यही है हमारा आज का साउंड ओबो फैंटम, और एक बार मैं आपको फिर से यहां से दिखा देता हूं। We'll be right back.
तो बस फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि शायद आज का ये हमारा सेशन आपको कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि आपका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा भी, कि कोई भी कीबोर्ड अपने आप में उसके अंदर हर कैपेसिटी होती है, बस उसको हमें सिर्फ समझना होता है, उसको यूटिलाइज करना होता है। अगेन मैं फिर से कहता हूँ कि फैंटम G6 या XP60 अपनी जगह एक लेजेंड कीबोर्ड्स है, और XPS30 ये कीबोर्ड अपनी जगह एक भले छोटा कीबोर्ड है, लेकिन उसमें भी वो कैपेसिटी होती है जो हम अगर चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आखिर में ये कह देता हूँ कि ये जो ओबो फैंटम का साउंड है, उसको आप अगर जूनो DI एडिटर में से एक्सपोर्ट करके XPS10 में लेंगे, तो XPS10 में भी आप यही साउंड एज इट इज़ बजा पाएंगे। और अगेन, इसके अंदर आपको अगर कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप जरूर बताइएगा। और जैसे लास्ट मेरे XP60 के वीडियो में बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा कहना था कि ये कीबोर्ड कुछ ज़्यादा लाउड बज रहा है, या ये कीबोर्ड के टोन आपको हार्श लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम अगर सिस्टम में देखते हैं, तो सिस्टम में फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो ये इक्वलाइजर दिया हुआ है, और ये इक्वलाइजर में अगर आप देखते हैं तो लो गेन 5, मिड गेन 5, और यहाँ पर हाई गेन 8 है जो यहाँ पर ऑलरेडी, और इक्वलाइजर गेन 3 है। तो फ्रेंड्स ये अगर आप जितना बढ़ाएंगे, जैसे मैं अभी इसको बढ़ाता हूँ, देखिए कीबोर्ड एकदम ब्लास्ट हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए था, तो हम इसको कर सकते हैं जितना हमें जरूरत। और लास्ट मेरा जो वीडियो XP60 के साथ था, यहाँ पर ये मेरा 15 था। तो आपको ऑब्वियस है कि हाई फ्रिक्वेंसी इसमें ज्यादा मिल रहा था। तो बस फ्रेंड्स यही है कि हमें अगर आपके साउंड को जितना सॉफ्ट बनाना है, या जितना आप उसको फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी सिस्टम का मास्टर EQ है, वहां से भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी, आएंगे बाद में फिर किसी और दूसरे कीबोर्ड और अच्छे टोन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।